नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियरिंग नोटिफिकेशन में। आज हम आपके पास में मैथ्स को और ऋग्वेद को कनेक्ट जो करते हैं, इनके अंदर जो संबंध है वो बताना चाह रहे हैं। इसका पहला जो टॉपिक है वो है स्क्वायरिंग अ सर्कल। स्क्वायरिंग अ सर्कल जो टॉपिक है ये इस दिए गए श्लोक में बताया हुआ है कि किस प्रकार से एक स्क्वायर जो है वो सर्कल के एरिया के बराबर हो सकता है। इसमें क्या लिखा गया है कि चतुर सम मंडलम चंच कीर्षना अक्षया धर्म ध्या प्राचीम भ्या पार येत यद यद तत् शिष्य तेत स्य सह तत् येन मंडल परर शलखेत। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक का मीनिंग ही क्या है, इस श्लोक का ज्यादा कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं है। बस यही है कि आपका जो इफ अ साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 2a देन रेडियस ऑफ ए सर्कल विल बी a प्लस 1/3 अंडर रूट ऑफ 2 इनटू a माइनस a। ये इसका पूरा मीनिंग आ जाता है। तो जो हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में ये जो श्लोक जो दिया गया है, इस श्लोक के सामने ही मैंने ये लिख दिया है। तो हिंदी में यदि वर्ग की भुजा 2a हो तो वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू से ये जो फॉर्मूला दिया है ये होगी। तो ये मैंने आपको सामने दिखाया हुआ है। अब ऐसे ही बहुत सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो हमारे वेदों में दिए गए हैं, और मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कोई सा फॉर्मूला लेके आके और आपको एक्सप्लेन करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।